दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार 10 नवंबर को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं हिटमैन रोहित शर्मा की कलाई में चोट लगी है दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान कलाई में चोट लग गई कप्तान रोहित शर्मा के दाहिने हाथ की कलाई पर चोट लगी है हालांकि अभी कप्तान रोहित शर्मा की चोट कितनी गंभीर है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ता। कलाई में चोट लगने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने तुरंत बल्लेबाजी प्रैक्टिस रोक दी भारतीय क्रिकेट फैंस ये दुआ करेंगे कि कप्तान रोहित शर्मा की ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो वरना इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है दोस्तों आपको बता दे की हालांकि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है लेकिन उनका इंग्लैंड के खिलाफ खेलना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलते हैं तो कप्तानी के राहुल के हाथों में होगी तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड से के सेमीफाइनल से पहले जो कि अब कुछ दिन ही बचा है उससे पहले फिट हो पाएंगे या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा